डॉक्टर समीर भाटी से मेरा सवाल रहेगा और वो ये कि जब हम निरोगी काया की बात करते हैं लेकिन आजकल स्ट्रेस बहुत बढ़ता जा रहा है, मानसिक तनाव भी उतनी ही महत्वपूर्ण बीमारी बन गई और ये वो बीमारी है जो कि आपको पता नहीं चलती लेकिन आपको अपने आगोश में ले लेती है, उसके ऊपर क्या कुछ किया जा सकता है? बिल्कुल बिल्कुल, देखिए अभी जैसे भारत ने भी G20 की प्रेसिडेंसी में जो हेल्थ एजेंडाज रखे गए थे उसके अंदर जो थ्री प्रायोरिटीज के अंदर देखें तो एक प्रिवेंशन के ऊपर हमने काफी ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया था और जो एजेंडाज रखे भी गए थे उनका पूरा 100% कंसेंसस से उनको सपोर्ट मिला है उन सभी एजेंडाज को। और प्रिवेंशन में जब हम बात करते हैं तो खाली फिजिकल हेल्थ को लेकर देखिए थोड़ी अवेयरनेस क्रिएट हो रही है, जैसे डॉक्टर साहब भी बता रहे हैं कि हम सेंसिटाइज कर रहे हैं, बट उससे ज्यादा जो एक प्रॉब्लम उभर कर आ रही है वो मेंटल हेल्थ है। कहीं ना कहीं मेंटल हेल्थ के ऊपर, इमोशनल हेल्थ के ऊपर बात किया नहीं जाता और स्पेशली जैसे हम बार बार बात कर रहे हैं, आज हम आध्यात्मिक नगरी में बैठे हुए, काशी में बैठे हुए, यहाँ पे स्पिरिचुअल हेल्थ की अगर बात ना हो तो फिर आई थिंक वो अधूरा रह जाता है। तो जैसा अभी फिलहाल हम देख रहे हैं और कोविड के बाद खास तौर पे देखें तो हमारी जो साइकोसोमेटिक डिजीज है, जो मतलब आपके शरीर मन से शुरू होती है, जो आपके दिमाग से शुरू होती है और आपकी बॉडी में आती है, इन चीजों ये काफी ज्यादा बढ़ रही है और बहुत सारी रिसर्च इस चीज को सपोर्ट करती है कि अगर आप मेंटली फिट नहीं है तो ओवरऑल आपकी हेल्थ को वो अफेक्ट करता है। स्पेसिफिकली हम देखें तो जैसे यंग हार्ट अटैक काफी ज्यादा बढ़ रहे हैं, कार्डियक इवेंट काफी ज्यादा बढ़ रहे हैं, इनका डायरेक्टली रिलेशन है आपकी स्ट्रेस से। स्ट्रेस से आपका ब्लड प्रेशर भी बढ़ेगा, स्ट्रेस आपकी डायबिटीज को भी ट्रिगर करेगा, अगर आप स्ट्रेसफुल रहते हैं तो आपकी नींद भी डिस्टर्ब होगी, स्ट्रेस है तो आपको हाइपरटेंशन भी रहेगा। तो बहुत सारे नंबर ऑफ डिजीज है कि जो स्ट्रेस की वजह से होती है और स्ट्रेस कोई स्पेसिफिकली ऐसा नहीं है कि स्पेसिफिकली किसी एक वर्ग को अफेक्ट कर रहा है, ओवरऑल हम बच्चों के अंदर भी बात करें, टीनेजर्स के अंदर भी बात करें तो स्ट्रेस, डिप्रेशन और भी कई इस तरह की मेंटल इलनेस है जिनके बारे में कई बार हम बात नहीं करते हैं, खुलकर सामने नहीं आते। तो बहुत ज्यादा जरूरी है कि अपनी फिजिकल हेल्थ के साथ साथ अपनी मेंटल हेल्थ का भी ध्यान रखें और मेंटल हेल्थ के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप मेडिटेशन करें, सुबह कुछ योगा या प्राणायाम करें, नेचर में अपना टाइम स्पेंड करें। जितना नेचर में टाइम स्पेंड करेंगे उतना आपको कुछ फील गुड फैक्टर, हम कहते हैं ना हैप्पी हार्मोन हमारे प्रोड्यूस होते हैं, कुछ अच्छा संगीत सुने, कुछ अच्छा म्यूजिक सुने, रात को सोते वक्त एटलीस्ट डिजिटल टेक्नोलॉजी से थोड़ा दूर रहें, आधे घंटे के लिए सोते टाइम कुछ अच्छा सुनकर, कुछ अच्छा देखकर, कुछ अच्छा पढ़कर सुनिए, क्योंकि वही आपके सबकॉन्शियस माइंड में फीड होगा। और सुबह उठते ही कुछ जरूर अच्छा सुनिए, अच्छा पढ़िए, अच्छा देखिए, अगर मेंटल हेल्थ का ध्यान रखेंगे तो आपकी फिजिकल हेल्थ भी ठीक रहेगी। और कहते भी हैं कि दिन की शुरुआत अच्छी हो तो पूरा दिन अच्छा होता है। इसी संदर्भ में सर आपसे मेरा सवाल रहेगा, वो ये होगा कि क्योंकि हमने फिजिकल हेल्थ की बात करी, मेंटल हेल्थ की बात करी और सर ने जिक्र किया स्पिरिचुअल हेल्थ का, स्पिरिचुअल हेल्थ को आप कैसे आगे बढ़ाते हैं क्योंकि हम काशी में मौजूद हैं और स्पिरिचुअल हेल्थ बहुत मैटर करती है यहाँ के लोगों के लिए, और उसके साथ साथ में लाइफस्टाइल के ऊपर क्या कुछ इम्पैक्ट पड़ता है अगर हम स्पिरिचुअली ग्रो करें या मेडिटेट करें? स्पिरिचुअल हेल्थ एक तरह से अलौकिक शक्ति मिलती है और उस अलौकिक शक्ति से आपका हेल्थ बॉडी काफ़ी सिस्टमिक ऑर्गेनाइज हो जाता है। क्योंकि आपने देखा होगा कि कुछ ऐसे योग गुरु हैं जो -18 डिग्री टेम्परेचर पर भी अपनी बॉडी को मेंटेन करके बिना किसी कपड़े के वो रहते हैं, एक तरह से वो स्पिरिचुअल हेल्थ का सिस्टम डेवलप कर चुके हैं बॉडी में, जिसके कारण उनको न ठंड का एहसास होता है न गर्मी का एहसास होता है, अगर उनको किसी भी मौसम में कहीं भी रखा हो तो रखा जा सकता है। लेकिन अगर हम यहाँ पर बात करें जैसे शहरी एटमॉस्फेयर की बात करें तो शहर में कई ऐसी चीज़ें होती हैं जो लोगों को हेल्थ सिस्टम गड़बड़ कर देती है, खासकर फास्ट फूड का सेवन आपने देखा होगा बहुत तेजी से प्रचलन चला है, पिज्ज़ा है, बर्गर है, कोल्ड ड्रिंक्स है, आइसक्रीम्स है, जो कि गाँव में नहीं मिलता और जगह पर नहीं मिलता, शहर में लोग खा खा के बीमार हो जाते हैं, जिसमें शुगर के मरीज काफी ज्यादा बढ़ रहे हैं, खासकर जैसे मैंने बोला सांस की बीमारियां, अस्थमा का अटैक भी फास्ट फूड से बहुत ज्यादा होता है, कोल्ड ड्रिंक्स से भी इतनी खतरनाक बीमारियां होती है, जिसमें किडनी फेलियर हो सकता है, सांस की बीमारियां हो सकती है, कई सारी ऐसी बीमारियां होती है। तो फास्ट फूड का सेवन एकदम बिल्कुल वर्जित होना चाहिए और खासकर उन बच्चों के लिए जो शुरुआत में ही मैगी चाउमीन के आदि हो जाते हैं, मदर्स स्पेशली जब भी बच्चा रोता है तो उनको स्पेशल डिश में ये देती हैं, ऐसा नहीं, आपको स्पेशल डिश में हरी सब्जियां का सेवन करना चाहिए, ऐसी चीजें पौष्टिक चीजें देनी चाहिए जिससे कि वो उनका मेंटल हेल्थ भी सही रहे, उनका जो स्ट्रक्चरल हेल्थ है वो सही रहे और जो शारीरिक ताकत है उसके अंदर पूरी बनी रहे। स्पिरिचुअल हेल्थ की बात करें तो आप योगा एक अच्छा
माध्यम होता है जो आपको स्पिरिचुअल हेल्थ को बेटर बनाने की कोशिश करता है, और मेंटल हेल्थ भी उससे काफी अच्छी हो जाती है, क्योंकि आप अगर मेंटल पीस आपके बॉडी में है तो आपकी पूरी बॉडी फिट रहती है। आप अगर सुबह उठ के व्यायाम करते हैं या योगा एक्सरसाइज करते हैं, आप जिम जाते हैं, जिम से बेहतर है कि आप ओपन एयर में ये काम करें और मॉर्निंग वॉक करें, वो बेहतर होता है अपेक्षाकृत। आप जिम के कई सारी एक्सरसाइज ऐसी खतरनाक होती कि आपने देखा होगा जिम में दौड़ते हुए या सामान उठाते हुए लोगों को हार्ट अटैक हो जाते हैं, लेकिन कभी ये नहीं सुना होगा कि मॉर्निंग वॉक करते हुए किसी को अटैक हो, लेकिन आपने अक्सर देखा होगा कि लोग ऐसी स्थिति में पहुंच जाते हैं। तो आप नेचुरल चीज़ों पर ज़्यादा बढ़ें और स्ट्रक्चरल हेल्थ पर ज़्यादा फोकस करें। स्पिरिचुअल हेल्थ ऑटोमेटिक आपके अंदर डेवलप जब होगी, जब आप मॉर्निंग वॉक ब्रह्ममुहूर्त में सारा अपना कार्यक्रम शुरू करें और बेहतर तरीके से जीने की कोशिश करें, क्योंकि स्पिरिचुअल हेल्थ बॉडी का सिस्टम जो हमारे सनातन संस्कृत में ये डेवलप स्ट्रक्चर है, जिसके कारण आज भी सुना होगा कि हमारे योग गुरु कई सारे ऐसे हैं जो 100 साल के ऊपर भी जिंदगी अपनी जी रहे हैं और स्वस्थ हैं, और उनको न ब्लड प्रेशर की बीमारी है, न शुगर की बीमारी है, न कोई और मेंटल हेल्थ है। तो ये बहुत बड़ी बात है कि स्पिरिचुअल हेल्थ से कितनी सारी चीजें मिल सकती हैं। स्पिरिचुअल हेल्थ का आपने जिक्र किया, साधु संतों का जिक्र किया, और उस बीच आपने बताया किस तरीके से वो लंबी उम्र जीते हैं, और उसमें एक विशेष भूमिका निभाती है उनका सात्विक भोजन, तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। भाटी जी से मेरा यही सवाल रहेगा कि सात्विक भोजन कहा जाता है बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, और उसके साथ में किस तरीके से अपनी डाइट को मैनेज करके चले जो एक नॉर्मल लाइफस्टाइल आगे हम अपना सकें। बिल्कुल, देखिए जैसे हम लैब की चेन चलाते हैं, और अगर पिछले 20 सालों के अंदर मैं देखूं तो बहुत बदलाव आया है। आजकल अगर हम टीनेजर्स की देखें, यंगस्टर्स की देखें, तो ज़्यादातर सभी की रिपोर्टों में कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, प्री डायबिटिक है। इवन अभी हम उत्तर प्रदेश के अंदर देखें, यहाँ का जो डेटा आया, यहाँ के स्पेशली देखा गया, यहाँ की पॉपुलेशन में हालांकि डायबिटिक्स कम है। जैसे हम देखें केरला में, तो केरला में डायबिटीज़ के लिए नंबर वन है। ओवरऑल हम भारत की बात करें तो भारत कैपिटल है डायबिटीज़ की, कि डायबिटीज़ की संख्या यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा है। अभी प्रदेश की अगर बात करें तो यहाँ पर प्री डायबिटिक्स काफ़ी ज़्यादा है, मतलब उनको अगले 2 साल में डायबिटीज़ होने की संभावनाएं बनी रहती है। अब इसमें जैसे अभी साक्षी जी ने सवाल पूछा कि डाइट का, देखिए डाइट का ही सबसे बड़ा रोल है। अभी अगर हम देखें रिपोर्ट्स का, तो जो 70s के करीब जिनकी उम्र 70 साल है, जिनकी उम्र 60 साल है, उनकी रिपोर्टें ठीक आती है, पर जिनकी उम्र 40 साल है, जिनकी उम्र 30 साल 20 साल है, उनकी रिपोर्टों में काफ़ी गड़बड़ आता है, क्योंकि जो हमारा खाना है वो पिछले 20 सालों के अंदर उसमें काफ़ी बदलाव आया, और अभी 10 सालों के अंदर और भी ज़्यादा उसके अंदर बदलाव आ गया है, जिसमें फास्ट फूड, प्रोसेस्ड फूड, जंक फूड, ये जितना अगर आप खाएंगे तो ये सारा सबसे ज़्यादा खाने का है। कि ठीक है एक्सरसाइज तो करनी है आपको, पर पहले आप बॉडी के अंदर डाल क्या रहे हैं वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो जितना अगर आप जंक फास्ट इससे दूर रहेंगे, उतना ही आप बहुत तरह की लाइफस्टाइल डिजीज से, लाइफस्टाइल संबंधित बीमारियों से बच सकते हैं। जैसे अभी एक ICMR की रिसेंट स्टडी भी आई थी, जिसमें पाया गया था कि पिछले 2 सालों के अंदर डायबिटीज 2 गुनी हो गई है, ब्लड प्रेशर के मरीज काफ़ी ज़्यादा भारत के अंदर बढ़ गए हैं, ओबेसिटी काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है, हार्ट डिजीज़, कार्डियोवेस्कुलर बीमारियां काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है। और जैसा अभी हम बात कर रहे थे कि भारत तो युवाओं का देश है, और युवा हमारी बैकबोन है और आगे आने वाली वर्क फोर्स है। अगर जैसा डॉक्टर साहब ने भी बताया कि अगर वो बीमार रहेंगे तो फिर कैसे कुछ भी नहीं कर सकते, तो शरीर को तो ठीक रखना बहुत ज़रूरी है, जिसमें डाइट का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। और सात्विक डाइट की जैसे हम बात कर ही रहे हैं, सात्विक डाइट के अंदर आपको वो सभी तरह की चीज़ें मिल जाती है, वो सभी न्यूट्रिशंस मिल जाते हैं जो आपको जंक फूड में, या जिनको हम कहते हैं कि उनके अंदर कोई न्यूट्रिशन नहीं मिलता, कभी कभी आप उसको यूज़ कर सकते हैं, पर अगर आप डेली रूटीन के अंदर उसको इस्तेमाल करेंगे तो डेफिनेटली इस तरह की बीमारियां होती रहेंगी। और लेट नाइट खाना, जैसे कि आजकल ऑनलाइन ऑर्डर कर देते हैं और घर पे सब चीज़ें आ जाती है, तो ये कहीं ना कहीं जो बीमारियों का ग्राफ बढ़ रहा है उसका ये काफ़ी बड़ा कारण है।